हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 16 पुतली का परीक्षा। पुतली का इट मींस डॉल, राइट? एंड परीक्षा इट मींस रियल वैल्यू, नॉट परीक्षा मींस इवेल्यूशन, परीक्षा मींस रियल वैल्यू ऑफ डॉल्स, राइट? प्रीचिंग इन एन इम्पोर्टेंट फोर्स टू मेक द लाइफ एक्सीलेंट। It is important to get success in different fields also. There are two methods to require and acquire preaching. One is word of preaching or advice, and the second is through story. Right? यानी कि जीवन के जो हमारे उपदेश होते हैं वो उसको अलग अलग फील्ड्स में यानी क्षेत्रों में सफल और हमको विफल बनाते हैं, राइट? लेकिन उसके दो ऑप्शन होते हैं, दो उपाय होते हैं। एक तो उसके उपदेश के वचन और एक यानी कि थ्रू स्टोरी के माध्यम से हम उसको यानी उन उद्देश्यों को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप किसी कथा में जाते हैं तो कुछ इंसिडेंट ऐसे सुनते हैं या कुछ ऐसी कथा सुनते हैं या कोई ऐसी कोटेशन कहीं पे लिखा हुआ होता है और वो सुन के आप अपनी लाइफ में उसको अमल करते हैं, या फिर कोई आपको कुछ सजेशन देता है, डायरेक्टली आपको बोलता है, तब आपको सक्सेस का एक वे मिलता है, राइट? बट थ्रू स्टोरी द सेकेंड मेथड ऑफ अक्वायर्ड प्रीचिंग इज मोर पॉपुलर एमंग पीपल। यानी कि जो स्टोरी है यानी कि लाइफ की जो एक्सपीरियंस स्टोरीज होती है उसको जब हम सुनते हैं तो वो हमें ज़्यादा अफेक्ट करती है और वही इंसानों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर भी है। बिकॉज ऑफ दिस देयर हैज़ बीन ट्रेडिशन इन संस्कृत लिटरेचर ऑफ गिविंग प्रीचिंग टू द मानकिन थ्रू स्टोरीज, राइट? यानी कि संस्कृत लिटरेचर, ये जो हमारी भारतीय परंपरा है यानी कि हमारी जो जननी कहा जाता है वो संस्कृत भाषा कहा जाता है, तो उसमें कई सारी ऐसी स्टोरीज है जिसकी वजह से हमें रियल वैल्यू जो होती है वो पता चलती है। रियल वैल्यू किसकी? इंसान की एबिलिटी की, राइट? इन दी स्टोरी वंस अ बनिया केम टू अ किंग्स कोर्ट। ही हैज थ्री डॉल looking similar in all respect, you know, all the three dolls have different value because actually they are same, वो same है, हर means in all value, all respect वो हर तरह से same है, but उनकी जो value है वो फिर भी different है। The baniya challenges the people in the court to find the value of each doll and the reason behind it, यानी उसकी जो वैल्यू है वो क्या है और उसके पीछे का रीज़न क्या है वो उसको एक चैलेंज देता है। व्हेन एनी मेंबर प्रेजेंट इन द कोर्ट डज नॉट टेक्स अप द चैलेंज, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर टू एक्सेप्ट इट। द मिनिस्टर कम्स टू नो द वैल्यू ऑफ इच डॉल एंड रीज़न बिहाइंड इट बाय हिज कीन ऑब्जर्वेशन। ही रिवील्स this secret in the court and surprises everyone. The moral of the story is this is that the value of thing can be determined because of its quality and not because of its appearance. यानी कि जो एक इसमें ऐसा बताया कि इसका जो मॉरल या इसका जो उद्देश्य जो होता है जिसको हिंदी में बोलते हैं वो ये है कि रंग रूप में एक समान दिखती हुई चीज़ें यानी कि उसका मूल्य एक जैसा नहीं होता है क्योंकि उसके गुण अलग अलग होते हैं। जैसे आप कभी कपड़े लेने गए हों तो सेम चीज़, सेम क्वालिटी, सेम कलर आपको 250 में या 350 में मिल रहा है और वही चीज़ आपको 950 में भी मिल रही है, तो 950 और 350 में दिखने वाली एक चीज़ों में कुछ विशेषता, कपड़े की विशेषता होती है, उसकी थिकनेस की विशेषता होती है, वो कलर फेड ना हो ये विशेषता होती है, तो सेम दिखने वाली चीज़ें भी कभी कभी सेम नहीं होती है। ये इस रियल जो डॉल है यहाँ पे उसकी जो वैल्यू यानी कि उसका यूलेशन जो उसका वैल्यू है वो यहाँ पर बताई गई है कि तीनों जो डॉल है वो एक जैसी है बट
उसकी जो विशेषताएं हैं वो अलग अलग हैं और किस तरह से, और उससे मोरल हमें ये मिलता है इस स्टोरी से कि हर इंसान, हर एक जैसा दिखने वाला या एक जैसा होने वाला, वो बाय वर्चूज, उनके जो गुण होते हैं उसमें एक जैसा नहीं होता है, राइट। तो ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया, यहाँ पे जो अभी मैंने बोला वो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे गुजराती में दिख रहा है, अगर आप रीड कर सकते हैं तो सेम वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई है, राइट। नाउ दिस स्टोरी, एकदा मीन्स वंस अपॉन अ टाइम, एकस्या मीन्स वन, नृप सभाया, नृप मीन्स किंग्स, जो राजा होता है, किंग है ना, तो जो राजा होता है उसका जो सभा मीन्स कोर्ट, उसकी जो सभा थी वहाँ पर कश्चित मीन्स कुछ सम वैदेशिक, इट मीन्स फॉरेनर्स, वणिक समागत, वणिक मीन्स बनिया जिसको हम बोलते हैं, वणिक समागत मीन्स केम, वहाँ पर आए, राइट। वंस डे बनिया केम टू अ किंग्स कोर्ट, वहाँ पर सॉरी कश्चित मीन्स कोई, कोई मीन्स एक बनिया वहाँ पर आया, एक दिन एक राजा के दरबार में एक बनिया वहाँ पर आया, वंस डे अ बनिया केम टू अ किंग्स कोर्ट, राइट। तस्य पार्श्वे, पार्श्वे मीन्स विथ, उसके पास में, काष्ठमय मीन्स मेड बाय वुड, जो लकड़ी से बनी हुई थी, काष्ठमय, सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल, कलात्मिका मीन्स आर्टिस्टिक, कलात्मक, आकार एंड मीन्स शेप्ड, प्रकार एंड मीन्स टाइप्स, भारेण मीन्स दैट वेट, एंड रूपेण मीन्स लुक वाइज ब्यूटी, एंड राग, राग मीन्स टाइप शेप, ओके। समाना तिस्त्र मीन्स थ्री, समाना मीन्स इक्वल, पुत्तलिका मीन्स डॉल, आसन मीन्स थी, उसके पास में, तो उसके पास में किसके पास में, इस बनिए के पास में, उसके पास में लकड़ी की बनी हुई सुंदर, कलात्मक, आकार, प्रकार, भार, रूप और राग सभी की तरफ से एक समान तीन पुतलिकाएँ थी, ओके। ही हैड थ्री ब्यूटीफुल एंड आर्टिस्टिक डॉल मेड ऑफ वुड, सिमिलर इन शेप, टाइप, वेट, कलर एंड ब्यूटी, क्लियर। राजसभायाम, उस कोर्ट में उपस्थित मीन्स प्रेजेंट, असोमोनिका दिस बनिया, ओके, ताप पुत्तलिका मीन्स दैट डॉल्स, नृपम मीन्स किंग, प्रदर्शयति मीन्स शोज, उसको दिखाया, यानी कि वहाँ पर प्रेजेंट जो राजा था उसको उस बनिए ने ये डॉल दिखाई। बींग प्रेजेंट इन द कोर्ट ही शोड दिस डॉल्स, नृपति स्वकर कमलेव गृहीत्वा ताम पश्यति, नृपति मीन्स किंग, स्वकर, स्व मीन्स ओन, कर कमल मीन्स हिज हैंड, उसके हाथों में, गृहीत्वा यानी टेक ले करके, पश्यति मीन्स सीज, देखा, ओके। द किंग सॉ देम बाय टेकिंग देम इन हिज लोटस शेप पाम, उसके जो कर कमल, कमल के शेप में जो हाथ, यानी कि जब हम हमारे हाथों को ऐसे फैलाते हैं दोनों हाथ ज्वाइन करके, तो हमारे हाथ ऐसे ही खुलते हैं जैसे कमल की पंखुड़ी खुल रही हो, ओके, कर कमल। द बींग प्रेजेंट इन द कोर्ट ही शोड दिस डॉल्स टू द किंग, कलात्मिका तान नृपते मना हरंती, वो जो आर्टिस्टिक जो डॉल्स थी उसने राजा का मन, यानी कि प्लीज, उसका जो क्या बोलते हैं, मन था, जो माइंड था, जो हार्ट था, उसको हर लिया, यानी कि प्लेजर, उसको अच्छा फील हुआ, ओके। सो द किंग प्रेज्ड, सॉरी, द दोज आर्टिस्टिक डॉल्स प्लीज द किंग, नृपति तम वणिजम प्रशंसती, नृपति यानी राजा ने वणिजम, तम वणिजम यानी दैट बनिया, प्रशंसती यानी कि उसको तारीफ की उसकी, उसको अप्रिशिएट किया, राइट। द किंग प्रेज्ड दैट बनिया एंड एक्सप्रेस्ड हिज प्लेजर, स्वकीय प्रसन्नता च प्रकटयति, और उसकी जो खुद की खुशी थी उसको भी प्रकट किया, सीइंग द किंग बीन हैप्पी, उसको उसकी जो खुशी थी उसको प्रकट किया, ओके एंड ओके। देन नृपति प्रसन्नम दृष्टवा, देन सीइंग द किंग बींग हैप्पी, उसको खुश देख करके, असो वाणिका दैट बनिया ताम क्रेतुम, क्रेतुम मीन्स फॉर बाइंग, उसको खरीदने के लिए,
प्रार्थितवान, प्रार्थितवान इट मीन्स रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट की। तो क्या हुआ कि उसको खुश देख करके उसकी रिक्वेस्ट की कि तुम अगर तुम्हें ये पसंद आई है तो तुम उसको खरीद लो, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पर कि द बनिया रिक्वेस्टेड टू किंग टू परचेज देम, उसने उसको परचेज करने के लिए रिक्वेस्ट की कि आप उसको परचेज कर लीजिए अगर आपको ये पसंद आई है तो, राइट। देन ततो नृपति वणिजम तासाम मूल्यम प्रचति, ततो नृपति यानी कि उस राजा ने, ताम मीन्स दैट डॉल्स, मूल्यम मीन्स वैल्यू उसकी प्राइस, पृच्छति यानी आस्क, आस्किंग मीन्स पूछना, देन द किंग आस्क्ड हिम द वैल्यू ऑफ डॉल्स, उसकी वो जो डॉल्स थी उसकी वैल्यू पूछी, तदा वणिकम वदति, वदति मीन्स सेज, उस बनिया ने बोला, देन द बनिया सेज, तीसरी नाम अपि पुत्तलिका नाम मूल्यम भिन्नम भिन्नम अस्ति, यानी ये जो ऑल ऑफ थ्री जो डॉल्स है पुतली है उनका मूल्य यानी वैल्यू भिन्नम भिन्न मीन्स डिफरेंट डिफरेंट है, ओके। देन द बनिया सेड दैट ऑल द थ्री डॉल्स हैव डिफरेंट वैल्यू, एकस्याम रूप्यकाम मात्रम अन्यस्याम च सहस्त्र रूप्यम एंड तृतीया एका पुत्तलिका लक्ष रूपम मूल्यम ददीती, यानी एक जो है फर्स्ट वाली जो डॉल है उसकी वैल्यू है ओनली 1 रुपीस, राइट। देन अन्यस्या यानी जो अनोदर जो दूसरी है उसकी वैल्यू है सहस्त्र रूप्यकम मीन्स 1000 रुपीस, राइट, 1000 रुपये, सहस्त्र मीन्स 1000 रुपीज। एंड तृतीया एका पुल्लिका जो थर्ड वन है जो थर्ड डॉल है उसकी वैल्यू है लक्षम रुपीस, इट मीन्स 1 लाख रुपीस, यानी एक की वैल्यू है 1 रुपीस, दूसरे की है 1000 रुपीस एंड तीसरे की वैल्यू है 1 लाख रुपीस, यानी तीनों की वैल्यू यहाँ पे अलग अलग उसने बताई। तो उसने क्या बोला कि द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डॉल इज ओनली 1 रुपी, फोर द सेकेंड इट्स 1000 रुपीज एंड द वैल्यू ऑफ थर्ड डॉल इज 1 लाख रुपीज। देखो यहाँ पे तीन डॉल जो यहाँ पे ये बताया गया है कि प्रकार आकार भार राग सब रूप में एक जैसी है, तो उसकी जो वैल्यू है वो तीनों की अलग अलग है, एक की है 1 रुपया, दूसरे की है 1000 रुपये और थर्ड की है 1 लाख रुपीज। नृत्य आश्चर्य वणिज, आश्चर्य में सरप्राइज, वो सरप्राइज हो गया और उसको कथयति यानी आस्क बोला, द किंग आस्क हिम विथ सरप्राइज, उसको सरप्राइज हुआ, वो वणिक मीन्स ओ बिजनेसमैन कथम तावत मीन्स टेल, समानाम पुत्तलिका नाम मूल्यम एतावत भिन्नत भिन्नत अस्ति, यानी कि ये जो सिमिलर डॉल है उनका जो वैल्यू है वो एतावत मीन्स इस तरह से, लाइक दिस, भिन्नम भिन्न मीन्स डिफरेंटली क्यों है, Why is there variation in the value of dolls even though they are similar? यानी ये similar है तो उनकी value अलग अलग क्यों है, right? So बनी कहा वदत, इट मीन्स बिजनेसमैन जो बनिया था बिजनेसमैन said, अयि नृप ओ किंग भवतः राजसभायाम अत्र बहव विद्वांसः विचक्षणाः पुरुषाः विराजन्ते, भवतः राजसभायाम इट मीन्स तुम्हारे ये जो कोर्ट है उसमें बहव मीन्स मैनी, विचक्षणा यानी स्कॉलर एंड विद्वांसः मीन्स इंटेलिजेंट पुरुष यानी कि मैंस जो पीपल है वो यहाँ पर है, यानी कि तुम्हारी राज्यसभा में बहुत सारे स्कॉलर और इंटेलिजेंट लोग यहाँ पर हैं। सो बिजनेसमैन सेड ओ किंग देर आर मैनी स्कॉलर्स एंड इंटेलिजेंट पीपल इन योर कोर्ट, ते एता पुत्तलिका परीक्षा, तो वो इन इस जो डॉल्स है उनको एग्जामिन करके उनको इवेल्युएट करके, तासाम यानी इनका मूल्य भेदम यानी कि ये जो डिफरेंस है इस वैल्यू में वो उसका, तस्य कारणम यानी रीज़न, विज्ञापितुम यानी कि नोइंग, जान करके यानी कि जान सकते हैं या वो बता सकते हैं, दे आर कैपेबल फॉर टेलिंग द वैल्यू ऑफ दिस डॉल्स एंड द रीज़न ऑफ डिफरेंस इन देयर वैल्यू, यानी कि तुम्हारे कोर्ट में इतने सारे स्कॉलर और इंटेलिजेंट पुरुष यानी कि लोग हैं तो वो कैपेबल हैं इसकी वैल्यू का जो रीज़न है उसका जो डिफरेंस है वैल्यू का वो बताने में वो कैपेबल है, दे आर कैपेबल, दे
एता पुत्तलिका परीक्षम तासा मूल्य भेदम तस्य च कारणं विज्ञापितुम अर्हति. इट मीन्स दे आर कैपेबल ऑफ टेलिंग द वैल्यू ऑफ दिस डॉल्स एंड द रीजन फॉर डिफरेंट इन देयर वैल्यू. अतः तान एव राज्यसभा सदस्यान एतत् पृच्छतु हुई थी. राज्यसभा सदस्य यानी कि ये जो तुम्हारे कोर्ट्स के मेंबर हैं उनको पृच्छतु, इट मीन्स आस्क, उनको आप पूछो. सो आस्क अबाउट इट टू मेंबर्स ऑफ योर कोर्ट. ये जो आपके कोर्ट के मेंबर हैं उनसे आप पूछो कि इसकी वैल्यू इस तरह से अलग अलग क्यों है. नृपः उपस्थितेभ्यः, उपस्थितेभ्यः यानी कि जो प्रेजेंट थे राज्यसभा के सदस्य मीन्स मेंबर्स ऑफ किंग्स कोर्ट. पुत्तलिका नाम यू नो डॉल, मूल्यम मीन्स वैल्यू, तत्र मीन्स देयर, कारणम मीन्स रीजन, विज्ञापितुम यानी कि जानना एंड निवेदितवान यानी रिक्वेस्ट. ओके, सो द किंग आस्क द मेंबर ऑफ हिज कोर्ट टू टेल द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ डॉल्स एंड रीजन बिहाइंड इट, और उसके पीछे का जो रीजन है वो जानने का कारण जानने की या उसको बताने का पूछा कि कोई अगर इस मेरे दरबार में या मेरे कोर्ट में कोई ऐसा है मेरी सभा में जो इसके पीछे का रीज़न और ये जो वैल्यू का डिफरेंस है वो बता सकता है तो बता सकता है. तो नृपस्य यानी राजा के मीन्स किंग के निवेदन के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू हिज रिक्वेस्ट, बहवहु मीन्स मैनी, विचक्षणा मीन्स स्कॉलर, समागत्या मीन्स केम देयर, एंड पुत्तलिका मूल्यम वेदम, और जो वैल्यू ऑफ डॉल उसका जो वैल्यू जानने की प्रयत्न मीन्स कोशिश कृतवंत यानी की. ओके, सो फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ द किंग दे ट्राई टू नो द डिफरेंस एंड द रीजन बिहाइंड इट. ओके, परम बट कोपी यानी एनी नो एनी वन तत्र सफल हो यानी उसमें कोई भी सक्सेस नहीं हुआ, बट कुड नॉट सक्सीड यानी कोई भी उसमें सफल नहीं हुआ उसके पीछे का रीज़न बताने में और उसके वैल्यू का जो डिफरेंस था वो बताने में कोई भी सक्सेस या कोई भी सफल नहीं हुआ कि इसके पीछे का क्या रीज़न है. ततो असो नृपः तत्कार्य मंत्री ने समर्पितवान, तो फिर राजा ने उसके जो वर्क था उसके पीछे का रीज़न और वैल्यू को सर्च करने का वो उसका मंत्री जो था उसका जो मिनिस्टर था उसको उसने सौंपा कि ये काम, दिस वर्क यू हैव टू डू. ओके, देन द किंग एंट्रस्टेड दिस टास्क टू हिज शेड टू मिनिस्टर, उसका जो मिनिस्टर था उसको ये कार्य उसने सौंपा. चतुरा मंत्री यानी उसका जो मंत्री था वो थोड़ा क्लेवर था. ओके, उत्थाय वो उठा, और दीन त्रय अहंतरम यानी कि वो उसने क्या किया, थ्री डेज, दिन त्रय मीन्स दिन मीन्स डे और त्रय मीन्स थ्री, तो तीन डे थ्री डेज के अंदर अंदर एतद् विज्ञाय उसने ये चीज जान ली. ओके, देन भवते निवदेश निवदेश्यमिति नृपाय सविनम कथयत, और उसने ये बोला कि मैं तीन दिन में इस चीज को फाइंड आउट कर लूँगा. तीन दिन उसने मांगे क्योंकि वो तुरंत तो नहीं कर सकता था, उसने तीन दिन मांगे कि तीन दिन में मैं इसको निवेदन किया नहीं, उससे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे तीन दिन दो, मैं उसमें आपका जो ये डिफरेंस जानना है वो मैं कर लूँगा. ओके, द मिनिस्टर टोल्ड द किंग पोलाइटली दैट ही वुड टेल अबाउट इट आफ्टर थ्री डेज, उसने ये पोलाइटली निवेदन किया यानी रिक्वेस्ट की कि मैं उसको तीन दिन में कर लूँगा. नृप तथास्तु इति कथित्वा राजसभाम विसर्जितवान, नृप नृप मीन्स राजा ने तथास्तु मीन्स ओके लेट इट बी ऐसा बोल करके कथित्वा यानी बोल करके सेज राजसभा जो उसका कोर्ट था उसको एडजर्न्ड किया यानी कि उसको विसर्जित किया. राइट, द किंग सेज लेट इट बी एंड देन एडजर्न्ड द कोर्ट, उसको सभा को विसर्जित किया. देन मंत्री ताम पुत्तलिका स्व स्वीकृत्य गृहम आगच्छति, मंत्री जो था उस पुत डॉल्स को अपने घर पे स्वकृत्य यानी कि खुद के घर पर होम गृह मीन्स होम, आगच्छति मीन्स केम वहाँ पर ले आया, टेकिंग दोज डॉल्स द मिनिस्टर केम होम, वो उसके घर पे उसको ले आया. गृहम आगत्य जब वो ही वॉज आई मीन्स एंटर द एट हिज होम, जब घर पे आ गया, परिश्रांत अपि वो
टायर्ड हो गया था, थक गया था, बुभुक्षितो यानी हंगरी था, उसको भूख लग रही थी, तो परिश्रम की यानी उस थका हुआ और भूख लगने की उपेक्षा यानी किए बिना, उसको भूख और खाने की थकान की चिंता किए बिना, सर्वाणी दैनंदिनी कार्याणि परित्यज्य, सर्वाणी यानी कि सारे दैनंदिनी कार्य यानी कि डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं उसको छोड़ छाड़ के, पुत्तलिकाम सूक्ष्म उपेक्षिकया परीक्षित, पुत्तलिका की वो जो डॉल थी उसका सूक्ष्म यानी माइन्यूटली जो इवोल्यूशन होता है वो उसको करने लगा, यानी कि थकान और भूख को छोड़ छाड़ के वो जो उसके डेली रूटीन दैनंदिनी कार्याणि यानी कि जो डेली रूटीन के वर्क होते हैं उसको भी छोड़ छाड़ के वो उसके माइन्यूटली एग्जामिन करने लगा। ही वॉज हंग्री एंड टायर्ड बट ही स्टार्टेड एग्जामिनिंग द डॉल्स वेरी माइन्यूटली, ओके, वो उसको एकदम से माइन्यूटली देखने लगा। ततः स पुत्तलिका नाम कर्णेषु छिद्रम एकम पश्यति, तब उसने देन ही सो कर्णेषु यानी दैट इन डॉल्स या उसके जो डॉल थी यानी जो पुत्तलिका थी उसके कानों में उसने एक छेद देखा, ओके, देन ही सो होल इन द ईयर्स ऑफ द डॉल्स, वो डॉल के कान में उन्होंने एक छिद्र देखा, राइट right? तो अब धीरे धीरे यहाँ पे रीज़न पता चलेगा कि क्या रीज़न है। किमर्थम इदम छिद्रमिति चिंतया तस्य मनसी अकस्माद एक विचार समुत्पन्न, किदम अर्थम यानी इस ये जो छेद है उसका मीनिंग क्या है, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस होल, राइट, एंड इति चिंतया यानी दस थिंकिंग, ऐसा सोच करके उसके मन में यानी कि उसके माइंड में अकस्माद एक यानी सडनली एक विचार यानी एक आइडिया समुत्पन्न यानी आया। वाई दिस होल, ही स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट, उसको एक यानी उसने सोचा और सडनली एन आइडिया स्ट्रक हिज इन हिज माइंड, सडनली एक आइडिया उसके दिमाग में आया। तम अनुसरण असो, तम अनुसरण यानी कि उसको ऑब्जर्व करने के बाद पुत्तलिका करने एकम शलाकम प्रक्षिपत, उसको ऑब्जर्व करने के बाद उस पुत्तलिका में उस डॉल के कानों में जहाँ पर छेद था वहाँ पर उसने एक शलाका मीन्स एक सुई निडल वो उसने डाली। ही पुस्ट अ स्पील इन टू द ईयर ऑफ ईच एंड एवरी डॉल, उसने क्या किया हर एक डॉल के कान में एक सुई शलाका मीन्स सुई या उसको बोल सकते हैं स्पील वो उसने डाली। सर्वासु पुत्तलिकासु प्रशिक्तम शलाकाम परिणाम त्रयम प्राप्तम, और सारी डॉल्स जो थी उसमें जो उसने थ्रो की थी वो स्पेल जो निडल स्प्रे की थ्रो की थी उसके तीनों के जो परिणाम थे यानी जो रीज़न थे वो अलग अलग उसको मिले। बाय डूइंग सो ही गॉट थ्री टाइप्स ऑफ रिजल्ट, जब उसने ऐसा किया तो उसको तीन रिजल्ट मिले। क्या रिजल्ट मिले, तो एकस्याम पुत्तलिकाया कर्णिक प्रचिक्ता शलाका अपस्मात कर्णात बही निर्गता, यानी एक पुतली के कर्ण में यानी कि उसके ईयर्स में प्रचिक्ता यानी जब उसने वो स्पील डाली जो निडल डाली तो अपस्मात कर्णात यानी दूसरे कान से बही यानी कि बाहर यानी कि आउट निर्गता यानी कि वो बाहर आ गई। इट मीन्स द स्पील इंसर्टेड इन टू द ईयर ऑफ द फर्स्ट डॉल केम आउट थ्रू द अदर साइड, जब उसने एक कान में सुई डाली या स्पिल डाली तो वो दूसरे कान से बाहर आ गई, राइट। द्वितीय पुत्तलिकाया सेकेंड डॉल कर्णे प्रचिक्ता, जब उसने कान में वो स्पिल डाली शलाका में स्पिल, मुखात बही निर्गता, वो कहाँ से निकली, उसके माउथ से उसके मुख से बाहर निकली। द स्पिल इंसर्टेड इन टू द सेकेंड ईयर केम आउट थ्रू इट्स माउथ, वो उसके मुंह से बाहर आई, राइट। तृतीय पुत्तलिकाया यानी कि जब थर्ड पुतली थी जो थर्ड डॉल थी कर्णे प्रचिक्ता शलाहा, जब उसने उसके कान में वो स्पेल डाली तो उदरम गता, वो पेट में गई, उदर मीन स्टमक, वो पेट में गई एंड न पुनः बही समागता, और वापस से वो बाहर नहीं आई। फर्स्ट में क्या हुआ, उसने एक में सुई डाली तो दूसरे कान से निकल गई, दूसरे में उसने सुई डाली वो जो स्पिल डाली तो कान में से जाके मुंह से बाहर आई, और तीसरे में डाली तो कान में गई और पेट में जाके अटक गई, वहाँ से बाहर नहीं आई। बट द स्पिल इंसर्ट
इंटू द ईयर ऑफ द थर्ड डॉल डिड नॉट केम आउट एंड इट वेंट स्ट्रेट टू इट्स स्टमक, वो सीधी उसके पेट में पहुंच गई। अनेन प्रसन्न मंत्री निश्चिंतो भूत्वा दिवसम यातति, अनेन इससे प्रसन्न होकर के। अब इसका मीनिंग तो उसको समझ में आ गया कि क्या मीनिंग है, वो मैं भी आपको बताऊंगी, लेकिन इसके बाद में तो इससे प्रसन्न होकर के, निश्चिंत होकर के, यानी कि बिल्कुल स्ट्रेस फ्री होकर के उसने भूत्वा यानी कि दिवस यापति थी, क्योंकि 3 दिन की मोहलत मांगी थी, तो उसने दिन भूखा प्यासा रहकर थकान सह कर भी उसने 1 दिन में तो ये ढूंढ निकाला इसका रीज़न, बट 3 दिन की मोहलत मांगी थी इसलिए 2 दिन उसने और भी जाने दिए। ओके, बीइंग हैप्पी विथ हिज डिस्कवरी द मिनिस्टर पासेस हिज डेज विदाउट वरी, और बाकी के जो दिन थे उसने बिना चिंता के निकाले। तृतीय दिवस से ऑन थर्ड डे असो मीन्स वह कौन, वह मंत्री मिनिस्टर, असो राजसभायाम उपस्थाया, यानी कि उस राजसभा में उस किंग्स कोर्ट में उपस्थित होकर के, प्रेजेंट होकर के, पुत्तलिका यानी उस डॉल को प्रदर्शन यानी कि शो करके, क्रीमशः मूल्यम विज्ञापति, उसका वन बाय वन उसकी वैल्यू बताने लगा। तब मूल्यम वणिकम सर्वथा अनमोवदत, उस मूल्य से, वो जो मूल्य था उससे जो राजा था राइट उसको उसका वैल्यू पूछता है कि इसकी यानी कि उसका कारण दर्शा के वो उसका वैल्यू पूछता है वणिक राइट। सो ऑन द थर्ड डे ही रिमेन्स प्रेजेंट इन हिज कोर्ट एंड टेल्स द वैल्यू ऑफ ईच डॉल वन बाय वन। द बनिया इट मीन्स बिजनेसमैन सपोर्टेड दिस, और वो उसको सपोर्ट करता है और वो उसको दिखाता है। तथा आश्चर्यचकित नृप मूल्य भेद से कारण पृच्छति, तो आश्चर्यचकित होकर के यानी कि एकदम सरप्राइज होकर के राजा उसको जो वैल्यू ऑफ डिफरेंस जो था, मूल्य का भेद था, उसका कारण पूछता है राइट। देन बीइंग सरप्राइज्ड द किंग आस्क्ड द बिजनेसमैन अबाउट द डिफरेंस ऑफ द वैल्यू, वो उसको पूछता है। कारणम विज्ञापन है, कारणम विज्ञापन यानी कि कारण को जान करके, ठीक कारण को जान करके वणिकम कथयति, वो वणिक कहता है कि हे नृप ओ किंग मया प्रथमायाः पुत्तलिकायाः मूल्यम रूपकार्यम कथितम, यानी कि मेरी जो ये फर्स्ट डॉल है उसका 1 रुपये का जो मूल्य है यानी कि उसका मैंने 1 रुपीज मूल्य प्राइस रखा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। ओ किंग द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डॉल इज ओनली 1 रुपी बिकॉज एतस्या करने प्रशिक्ता सा शलाका, यानी कि ये जो स्पिल है उसके कान में जब डालते हैं तो द्वितीय कर्णात बहिर्निर्गच्छति, वो दूसरे कान से बाहर निकल जाती है। ओ किंग द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डॉल इज ओनली 1 रुपी बिकॉज द स्पिल इंसर्टेड इनटू इट्स ईयर कम्स आउट फ्रॉम द अदर साइड, वो अगर एक कान में डालते हैं तो दूसरे कान में से निकल जाती है। यह जना इट मीन्स दैट टाइप ऑफ पीपल हितकरम वचनम करने ने शुनोति, यानी कि इस तरह के लोग हितकारी वचन यानी कि जो वेलफेयर जो अपने कल्याण के लिए जो अपने हित के लिए बातों को सुन बेनिफिशियल जो स्पीच होती है उसको सुनते हैं, लेकिन अपरस्मात कर्णात यानी कि दूसरे कान से बहिर्निर्गच्छति यानी कि उसको बाहर निकाल देते हैं। तस्य मूल्यम अपि रुप्यक मात्रम भवति, उनका मूल्य सिर्फ 1 रुपये जितना होता है, यानी कि जो इंसान लाइफ में अच्छी अच्छी बातें सुनते तो हैं लेकिन दूसरे कान से वो निकाल लेते हैं, सुना और निकाला। तो इस तरह की जो डॉल होती है यानी कि ये जो मैंने मूल्य रखा है इस तरह के लोगों का, उसका मूल्य सिर्फ 1 रुपया होता है राइट। अ पर्सन हु हियर्स बेनिफिशियल स्पीच इन 1 ईयर एंड ड्राइव्स इट आउट फ्रॉम द अदर हीज वैल्यू इज ऑल्सो 1 रुपी, यानी जिस तरह से इस डॉल का 1 रुपी है उसी तरह से ऐसे लोगों का मूल्य यानी ऐसे लोगों की वैल्यू भी उतनी ही होती है। द्वितीय पुत्तलिकायाः यानी कि जो सेकेंड डॉल है उसका वैल्यू 1000 रुपये का कथित, यानी कि उसका जो वैल्यू है वो 1000 रुपीज कहा गया है। यतो ही बिकॉज एतस्य कर्णे प्रक्षिप्ता शलाका, यानी कि इसके जो कान में स्पिल डाली थी वो मुखात निर्गच्छति, मुखात यानी वो उसके माउथ से निकलती है।
द सेकेंड वैल्यू ऑफ द सेकेंड डॉल इज 1,000 rupees बिकॉज द स्पिल इंसर्टेड इन टू हीज ईयर कम्स आउट थ्रू इट्स माउथ, यानी कि उसके कानों में जाती है और मुँह से बाहर आ जाती है। एक जन हित करम वचनम कर्णाभ्यम श्रुणोति, यानी इस तरह के जो लोग होते हैं वो बेनिफिशियल स्पीच सुनते तो हैं बट वो वचन हमेशा दूसरों के परे भी यानी कि दूसरों को उपदेश देने में चले जाते हैं परंतु बट स्वयं तत्व न प्रवर्तते और खुद पर वो अमल नहीं करते, राइट। तो इस तरह के लोग क्या करते हैं कि वचनों को अच्छे से सुनते हैं लेकिन उसको मुंह से दूसरों को बताने के लिए दूसरों को गाइड करने के लिए यूज़ करते हैं पर खुद में वो इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, राइट। द वैल्यू ऑफ सेकेंड डॉल इज 1,000 rupees बिकॉज द स्पिल इंसर्टेड इन टू हीज ईयर कम्स आउट थ्रू इट्स माउथ, राइट। इट इज लाइक अ पर्सन हु हियर्स बेनिफिशियल स्पीच बट डज नॉट फॉलो इट एंड प्रीचेस द सेम टू अदर्स, दस सच अ पर्सन हैज़ वैल्यू ऑफ ओनली 1,000 rupees। तो ऐसे लोगों की जो वैल्यू होती है, एतादृश मीन्स दैट टाइप ऑफ पीपल, जनस्य मीन्स पीपल, मूल्य मीन्स वैल्यू, सहस्त्र रुपये का मतलब होती है उनकी जो वैल्यू होती है, दस सच अ पर्सन हैज़ वैल्यू ऑफ ओनली 1,000 rupees और उनकी जो वैल्यू होती है वो 1,000 rupees जितनी ही होती है, राइट। देन तृतीया पुत्तलिकाया मूल्यम लक्ष रुपये कम कथितम, यानी थर्ड द वैल्यू ऑफ थर्ड डॉल इज 1,00,000 rupees, उसकी जो वैल्यू है वो 1,00,000 rupees कही गई है, यह तो ही बिकॉज एतस्याम कर्णे प्रक्षिप्ता, उसके कान में जो स्पिल डाली गई है वो उदरम गता, वो उसके स्टमक में जाती है, न प्रत्यावर्तते यानी कि वो वापस बैक नहीं आती है। द वैल्यू ऑफ द थर्ड डॉल इज 1,00,000 rupees बिकॉज द स्पिल इंसर्टेड इन टू इट्स ईयर गोज टू इट्स स्टमक एंड इट डज नॉट कम आउट, लेकिन वो बाहर नहीं आती है। यह जन हितकरम वचनम कर्णाभ्यास शुणोति तदंतरम असो तत् हितकरम वचनम स्वमनसि स्थापयित्वा सजीवने यथा प्रसंग तत् परिपालयन्ति, यानी कि उस तरह के जो लोग होते हैं वो हितकरम वचनम कर्णाभ्यास, अपने हितकर वचन को कानों से सुन करके तदंतरम यानी आफ्टरवर्ड्स उसके बाद उन बेनिफिशियल वर्डों को स्वमनसि यानी अपने मन में ही स्थापित्वा यानी कि रख करके कीपिंग रख करके स्वजीवने यानी कि अपनी ओल्ड लाइफ में उसको यथा प्रसंग वैन एवर जब उन्हें ज़रूरत होती है तब उसको परिपाल जाती यानी कि उसको वो अच्छे वचनों को पाल यानी कि उसको फॉलो करते हैं परिपाल जाती यानी कि उसको फॉलो करते हैं। इट इज़ लाइक अ पर्सन हु हियर्स द बेनिफिशियल स्पीच एंड बेनिफिशियल स्पीच एंड फॉलोज इट एट द अप्रोप्रिएट टाइम, राइट। एतादृशम जनस्य मूल्यकम अधिकम, यानी कि उनकी जो वैल्यू होती है वो हाई होती है, द वैल्यू ऑफ सच पर्सन इज हाई, उनकी मूल्य उनका मूल्य ज़्यादा होता है। अस्य मूल्यकम लक्ष्य रुपये का नाम निर्धारितम, और उनका जो वैल्यू है दिस इज ओरिजिनल फिलो, उनका जो वैल्यू है वो लैक रुपीज होता है, राइट। समानानाम पुत्तलिकानाम असमाने मूल्य इदम तात्विकम चिंतनम अस्ति, यानी समान पुत्तलिका में जो सिमिलर डॉल्स है उसका असमान यानी डिफरेंट जो वैल्यू है उसका जो चिंतन यानी कि उसका जो ओरिजिनल फिलोसॉफी है, चिंतन मीन्स फिलोसॉफी, वो इस तरह से है, दिस इज द ओरिजिनल फिलोसॉफी इन द अनइक्वल वैल्यू ऑफ द डॉल, ये जो अनइक्वल वैल्यू है डॉल की वो इसलिए है। तो लाइफ में ऐसा ही होता है कि सब एक जैसी चीज़ें दिखती है बट उनकी वैल्यू अलग होती है क्योंकि उसका जो वर्च्यू उसका जो गुण होता है वो डिफरेंट होता है, ओके। सो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया होगा, नाउ एक्सरसाइज इज देयर, सो एक्सरसाइज नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन, कियत के पुत्तलिका आसन यानी पुत्तलिका कितनी थी, तो 3। तीसरा, पुत्तलिका मूल्यम की दशमासित, यानी उस जो पुत्तलिकाएँ थी उनका मूल्य था यानी कि जो उनकी प्राइस थी वो किस तरह से थी, तो वो किस तरह से थी, भिन्नम भिन्नम, इट मीन्स डिफरेंट डिफरेंट थी। देन वणिजे सा आश्चर्य कथम कथिया थी, वणि ने आश्चर्य से किसको बोला, तो वणिजे ने आश्चर्य से किसको बोला,
तो नृपति राजा को बोला, देन मणिका पुत्तलिका परीक्षणम कति दिनवानि, यानी कितने दिन तक वो उसके घर पे ले गया, तो 3 दिन के लिए। पुत्तलिका परीक्षार्थम किम करणम प्रयुक्तम, पुत्तलिका का परीक्षण करने के लिए क्या उन्होंने ऑब्जेक्ट यूज किया, तो शलाका, इट मीन्स पील। द्वितीय पुत्तलिकायाम कियत मूल्यम आसीत, सेकेंड जो पुतली थी उसका मूल्य, डॉल का उसका मूल्य क्या था, तो 1000 रुपये कम, राइट। देन तीसरा पुतलिका की दशा आसन, यानी तीसरी जो पुतलिका थी वो कैसी थी, तो आप मैं जो बोल रही हूँ उसे सुनिए और उसको बुक में सर्च करना, क्योंकि इतना बड़ा आंसर लिखना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ, तीसरा पुतलिका काष्ठम्य सुंदर कलात्मिका आकारेण प्रकारेण भारेण रूपेण रागेण च समान आसन, यानी कि तीनों पुतलिकाएँ जो डॉल्स थी वो कैसी थी, तो आकार में प्रकार में भार में रूप में राग में समान थी और वो लकड़ी की बनी हुई थी, राइट। अगेन आई एम टेलिंग, तीसरा पुतलिका यानी 3 पुतलिकाएँ काष्ठम्य सुंदर कलात्मिका आकारेण प्रकारेण भारेण रूपेण रागेण च समान आसन। देन सेकेंड क्वेश्चन, सभायाः की दिशा पुरुषा वेजन्ते अभिराजन्ते, तो की दिशा की जगह पर आपको लिखना है, बहवः विद्वांसः विद्वांसः विचक्षणाः विचक्षणाः पुरुषाः विराजन्ते, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 3, देन थर्ड क्वेश्चन, कह मूल्य भेद से कारण स्पष्टम करो, किसने मूल्य के भेद का कारण स्पष्ट किया, तो कह की जगह पे आपको लिखना है चतुरह मंत्री, यानी चतुर मंत्री ने उसके मूल्य का भेद स्पष्ट किया। देन फोर्थ क्वेश्चन, मंत्री पुत्तलिका नाम कर्णेषु किम अपश्यत, उसने मंत्री ने उन डॉल्स के कान में क्या देखा, तो किम की जगह पे आपको लिखना है छिद्रम एकम, यानी कि एक होल एक छेद देखा। तृतीय पुत्तलिका कियत मूल्यम, तीसरी पुत्तलिका का मूल्य कितना था, तो इस किम की जगह पे आपको लिखना है लक्ष्य रुपयम, यानी लाख रुपीस, राइट। सो इस तरह से आपको ये आंसर लिखना है। देन एक्सप्लेन द रेफरेंस, प्रक्षिप्ताया शलाकाया परिणाम त्रय प्राप्तम, इट मीन्स बाय इंसर्टिंग स्पील इन द ईयर्स ऑफ ऑल डॉल्स 3 टाइप्स ऑफ रिजल्ट वर गॉट, तो इसका आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, क्योंकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो यू हैव टू राइट। देन सेकेंड इज, एतादृशस्य जनस्य मूल्यम 1000 रुपये कम मात्रम अस्ति, इट मीन्स अकॉर्डिंगली द वैल्यू ऑफ सच पर्सन इज ओनली 1000 रुपीज, तो इसका आपको लिखना है रेफरेंस। देन थर्ड इज, समानानां पुत्तलिकानां असमाने मूल्ये इदं तात्विकः चिंतनं निहितम अस्ति, इट मीन्स देयर लाइज द ओरिजिनल फिलोसॉफी इन द अनइक्वल वैल्यू ऑफ सिमिलर लुकिंग डॉल्स, तो ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। नाउ आंसर इन योर लैंग्वेज, इट मीन्स यू हैव टू राइट इन इंग्लिश। सो हु केम द कोर्ट, वॉट हैड ही, राइट। तो आंसर इज द बिजनेस मैन, और यू कैन से बनिया केम टू द कोर्ट, ही हैड 3 आर्टिस्टिक डॉल्स मेड ऑफ वुड विच वर सिमिलर इन शेप टाइप वेट कलर एंड ब्यूटी। देन क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज द किंग सरप्राइज्ड, द आंसर इज द किंग वॉज सरप्राइज्ड ड्यू टू डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ डॉल्स इवन थ्रू दे वर सिमिलर। नाउ थर्ड वन, हाउ डिड द मिनिस्टर एग्जामिन द डॉल्स, सो आंसर इज द मिनिस्टर एग्जामिन्ड द डॉल्स माइन्यूटली एंड फाउंड अ होल इन द ईयर ऑफ ईच डॉल, ही इंसर्टेड अ स्पील इन द ईयर ऑफ ईच डॉल एंड गॉट 3 टाइप्स ऑफ रिजल्ट, बाय डूइंग सो ही केम टू नो अबाउट द डिफरेंट वैल्यू ऑफ डॉल्स एंड द रीजन बिहाइंड इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट डॉल टू लीस्ट, फर्स्ट डॉल द लीस्ट, द आंसर इज
द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट डॉल वॉज द लीस्ट बिकॉज वेन अ स्पील इंसर्टेड इन टू इट्स ईयर इट कम्स आउट ऑफ द अदर ईयर. सिमिलरली अ पर्सन हु हियर्स अ बेनिफिशियल स्पीच बट ड्राइव्स इट आउट थ्रू अनदर ईयर वैल्यू द वैल्यू ऑफ सच पर्सन इज ऑल्सो लीस्ट. राइट नाउ क्रिटिकल नोट देन मॉरल ऑफ द स्टोरी. इसका जो मॉरल है वो आपको लिखना है. देन राइट दिस स्टोरी इन योर मदर टंग इन योर वर्ड्स. यू हैव टू राइट इन योर लैंग्वेज. सो आई होप दिस चैप्टर इज क्लियर. दिस चैप्टर इज क्लियर फॉर यू. ये आपको क्लियर हो गया होगा. विल बी क्लियर्ड. राइट सो नाउ वी हैव डन दैट इन सेकेंड सेक्शन. 11 चैप्टर हैज कम्प्लीटेड. 12 देन 14 देन 15 देन 16. नाउ ओनली 3 चैप्टर्स रिमेनिंग 18 19 एंड 20 बिकॉज 7 इज कट आउट फ्रॉम योर सब्जेक्ट. तो 18 19 20 3 चैप्टर आपके इस सेक्शन से बाकी है. सो वो भी हम जल्दी से कर लेंगे. सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. ओके थैंक यू. थैंक यू वेरी मच.